दोपहर के बजे 5:30, दोपहर के इवनिंग के, हाँ इवनिंग के ही बजे 5:30। आज है दशहरा, सुना है कि दशहरे के दिन रावण जलाते हैं, तो आपने अपने अंदर के रावण के जलाया कि नहीं? ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अंदर रावण हो या राम, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी के कहानी में राम होते हैं, किसी के कहानी में रावण होते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने अंदर कौन है। बस जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल, आई एम होपिंग यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो हैप्पी दशहरा जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं पता नहीं ये वीडियो कब डालूंगा, लेकिन हैप्पी दशहरा। मैंने थोड़ी देर पहले मिर्ज़ापुर ख़त्म किया, मिर्ज़ापुर सीज़न 2, और उसके पहले मैंने बोराट देखा था। बोराट भी अच्छा है, मुझे तो इनफैक्ट मिर्ज़ापुर से ज़्यादा अच्छा लगा बोराट। और यहाँ पे पूरा जंगल है तो मेरी फट रही है, चारों साइड में जंगल है। बस मारना मत। तो एक्चुअली जो रियल रिवेंज है ना, गुड्डू भैया ने नहीं लिया, रियल रिवेंज पोपड़ी वाले चाचा ने लिया है। मर जाते हैं वो, लेकिन पोपड़ी वाले चाचा कुछ कहना चाहते हैं। मुन्ना भैया, इरशाद, पोपड़ी वाले चाचा, तुम पोपड़ी वाले, तुम्हारे वालिद पोपड़े वाले, तुम्हारे दादा पोपड़ी वाले, तुम्हारे नाना पोपड़ी वाले। मुन्ना भैया ठोक देता है। कहते हैं हमारी माँ अच्छे खानदान की थी। वो सीन सही है। कि ले मुन्ना भैया को मारना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुन्ना भैया शो की जान थी, जान है, थी क्या है। और कालिन भैया के लिए क्या बोले, मतलब वो काफ़ी बड़े, उनके बारे में क्या ही बोल सकते, अपनी तो औकात ही नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। गुड्डू भैया भी ठीक है, श्वेता त्रिपाठी भी ठीक ठाक है। स्पॉयलर्स क्या ईद है, क्योंकि मैं खुद ही 5-6 दिन बाद देख रहा हूँ। 23 को रिलीज़ हुआ था सीरीज़, और लोगों ने तो 23 को ही देख लिया था। 23 की सुबह को ही स्पॉयलर्स आ गया, तो इंस्टाग्राम पे मैंने देख लिया था स्पॉयलर्स में, बोला क्या लोग हैं, एक तो देख लिया स्पॉयलर्स भी डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तो मुन्ना भैया शो का सोल है, मुन्ना भैया को मारना नहीं चाहिए था। लेकिन और एक बात बुरा लगा कि ये लोग ने 10 एपिसोड में 8 एपिसोड तो ऐसे ही टाइम पास किया, इतना खींचा सीरीज़ को, इतना खींचा कि मैं 3 एपिसोड के बाद तो बोर होने लगा, मैं बोला कि कब ख़त्म होगा, क्या होगा। अगर आपको जल्दी देखना है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप डायरेक्ट 9 और 10वां सीज़न देख सकते हैं, क्योंकि आपको सब समझ जाएगा। और शो में इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स लेके आए हैं, इतना बिल्डअप किया, इतना बिल्डअप किया कि क्या बताओ कितना बिल्डअप किया है। इतना बिल्डअप करने के बाद भी इतना बोर होने लगा ना 2nd एपिसोड के बाद में। लेकिन 2nd या 3rd एपिसोड में इतनी अच्छी बात हुई, शबनम, बिचारी शबनम आती है गुड्डू भैया के पास, गुड्डू भैया के कमरे में कुछ करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ, यू गेट द पॉइंट। तो गोलू उसे डांट के भगा देती है। बहुत बुरा लगा शबनम के बारे में, बहुत ही ज़्यादा। मिर्ज़ापुर सीज़न 1 जितने हाइप पे एंड किया था, ये इतने बुरी तरह से गिरा है, क्योंकि 1 से लेके 9 एपिसोड इतने बोरिंग है ना। लेकिन एक बात अच्छी है कि जब जब मुन्ना भैया स्क्रीन पे आए अब हंसते हो, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स ने पका दिया है यार। गुड्डू भैया भी ठीक है, श्वेता त्रिपाठी भी ठीक है, और बाकी ये जो डबल रोल कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कोई पता नहीं कौन है वो, उसने तो इतना पका दिया, इतना पका दिया कि क्या बताया, कितना पका दिया। यहाँ पे देखते प्लास्टिक है कि नहीं। अरे यार बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है यहाँ पे भी यार। प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ यार प्लास्टिक मत डालो ऐसे जगह पे, क्लीन रखो यार, डस्टबिन में डाल दो ना प्लास्टिक, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना कचरे वालों को प्लास्टिक दे दो यार, ऐसा डालो मत, इन्वायरमेंट को गंदा मत करो प्लीज़। जंगल में जाने के लिए मेरी फट रही है, कभी भी अंधेरा हो सकता है।
इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, लगता है घर पर जाना पड़ेगा मुझे। चलो निकलता हूँ मैं भी घर पर अभी। बट अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो आप बोरैट देखिए, बोरैट 2 मस्त है वो भी मूवी, हंस हंस के पागल हो जाओगे। चलो बाय बाय। मिर्ज़ापुर नहीं देखा तो कमेंट में बताया, अगर देखा तो कौन सा कैरेक्टर, जो नए कैरेक्टर से उसमें से कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया वो बताइए। और अगर ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी है सब्सक्राइब करिए, और वो जो बेल वाला आइकन है ना उसको ऐसा दो मारो टिंग करके आवाज़ आना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कि वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर सेल्फ, आई मीन इट, टाटा। ए टोनी कसला थाम लसरे वाजव की।